नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है विश्व में बड़ा छोटा सभी पर एक नज़र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बारे में, जिससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, चलते हैं और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया है। यह दोस्तों विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। इसके बाद है विश्व का सबसे गहरा। दोस्तों, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा। दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर ही है। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे बड़ा सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा। दोस्तों, सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों, सागर अलग हो जाता है और महासागर एक अलग है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन का सागर। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। दोस्तों, एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और द्वीप समूह। तो दोस्तों, द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और केवल एक द्वीप सबसे बड़ा है जो कि ग्रीनलैंड है। इसके बाद चलते हैं अगला दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। दोस्तों, यह है अमेजन नदी। दोस्तों, इसमें सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी। तो दोस्तों, इसमें इतना अंतर है कि यह सबसे लंबी है, यानी कि आप देखेंगे तो जैसे कोई एक नदी है, यहाँ पर ए नदी है और दूसरी है यहाँ से बी तक जाती है। तो दोस्तों, इसकी लंबाई है मान के जो 50 या 300 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर है, और दूसरी नदी ए से जाती है कहाँ तक दोस्तों, बी तक। तो और दोस्तों, इसकी लंबाई मान के जो 280 या 250 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये देखेंगे सबसे लंबी नदी तो पे आपको ए मानी जाएगी, लेकिन दूसरी नदी बात करें ए नदी कैसे में सबसे चौड़ी, मतलब ऐसे इसमें ज़्यादा पानी बहता है और इसमें कम पानी बहता है, लेकिन ये कम पानी बहने वाली नदी सबसे लंबी नदी है और ज़्यादा पानी बहने वाली नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह हो जाएगा अमेजन सबसे लंबी नदी है, और सॉरी अमेजन सबसे बड़ी नदी है और नील नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों मेडिस नदी, जो कि अमेजन नदी की सहायक नदी है। इसके बाद चलते हैं अगला है विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर दोस्तों यह राइस नदी है, जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार होता है यहाँ से। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, यह है मांझुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और भारत में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है
विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस देश। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। यह ओनली 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है दोस्तों कनाडा देश। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? जिससे सबसे ज़्यादा देशों की सीमा लगती है दोस्तों यह चीन देश है। जिससे चीन देश से 13 देशों की सीमा लगती है जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इसके बाद अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय। यह लंदन में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। दोस्तों यह पुस्तकालय और संग्रहालय अलग अलग हैं। पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय और संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कि दोनों लंदन में ही हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ी कर्मचारी इमारत कौन सी है? कार्यालयी इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत यानी जहां पर कार्य होता है वह कौन सी इमारत है? दोस्तों उसका इमारत का नाम है पेट इमारत। इसके बाद अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। इसके बाद 23वां है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों गोबी का रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का रेगिस्तान, इसी को एशिया के पठार भी बोलते हैं या तिब्बत की पठार बोलते हैं या एशिया का छत बोलते हैं, दो तीन नामों से जाने जाती है यह गोबी का पठार। इसके बाद चलते हैं 24वां है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यह है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है दोस्तों अल्जीरिया है, जो कि लीबिया देश का एक प्रदेश है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है अल्जीरिया प्रदेश, जो कि लीबिया का एक प्रदेश है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बोस्टोक्स अटलांटिका का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है दोस्तों कैपियन सागर है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? ताज़ा पानी की झील है दोस्तों लेक शुपियर झील के नाम से जानी जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों बैकाल झील। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? विश्व पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई स्थित झील है दोस्तों टीटिकाका झील है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों यह है बोलगा झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों महाभारत महाकाव्य, जो कि भारत का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग माना जाता है। यह इतना भारी होता है कि स्वयं का वजन भी नहीं उठा पाता, जिसके कारण से वो उड़ नहीं सकता। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है
हामिंग्स वर्ग, यह सबसे छोटा पक्षी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है नीली व्हेल। दोस्तों यह सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है जो कि जल में पाई जाती है, एक मछली है। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों अंकुर वाट का मंदिर, अंकुर वाट का मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा या विशाल मंदिर माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों कुतुब मीनार। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दोस्तों बुर्ज खलीफा इमारत सबसे ऊंची है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी कहां पर है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी भारत में ही रहती है, बास करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है। दोस्तों यह इंडोनेशिया है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की है, मुस्लिम आबादी की है मानी जाती है, है भी वहाँ पर बहुत सारी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है दोस्तों ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यह न्यूयॉर्क में है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दोस्तों शिकागो का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, शिकागो का इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है दोस्तों लेह मनाली मार्ग, लेह टू मनाली मार्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है दोस्तों महात्मा गांधी सेतु, यह पटना नदी में गंगा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कापोपैक्सी है, माउंट कापोपैक्सी है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग कौन सा है। दोस्तों यह भारतीय रेलवे है जो कि सर्वाधिक व्यक्ति या कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों यह ब्रिटेन संग्रहालय लंदन में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।